कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी। कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है रोशन अब्बास और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से टू द शो विच इज कॉल्ड नोकिया जीना इसी का नाम। दोस्तों, ये शहर मुंबई है एक स्वप्न नगरी। यहां पर लोगों के सपने सच हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं बड़े बड़े अरमान लेके और यहां पर इस शहर में आके न जाने अपने सारे सपने एकदम से कैसे सच कर लेते हैं। ऐसी कुछ पर्सनालिटी से हम आपको यहां पर रूबरू कराते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आपको दिखाते हैं उनके कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हे जिंदगी के जिनसे आप वाकिफ नहीं होते और इनको जान के आप जरूर कहेंगे कि वाह, जीना इसी का नाम। आज हमारे बीच जो शख्सियत यहां पर आए हैं, उन्होंने अपना नाम बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बना लिया है। क्वालिफाइड MBA हैं, ग्वालियर शहर से हैं, आवाज भी बड़ी भारी है। मुझे लगता था कि इनको कभी कभार अपने साथ रेडियो पर ले जाना चाहिए, लेकिन हैं कुछ अलग से। चलिए आपको इनसे थोड़ी देर मिला ही देते हैं। हाय, थैंक यू सो मच शरद। रियली, पहली बात बताइए, आपकी हाइट क्या है? 6 फुट से कुछ ज्यादा है बस। और कहते हैं कि आप जहां जाते हैं तो लड़कियों की भीड़ लग जाती है। एक जमाने में राजेश खन्ना के साथ होता था, अब आपके साथ होता है। अब तो मेरी शादी हो चुकी है तो चांसेस बहुत कम है। तो चलिए आपकी जिंदगी थोड़ा रूबरू हो जाते हैं, बैठिए। थैंक यू। बचपन के दिन जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, तो क्यों ना कुछ मेमोरीज को साथ में हम लोग याद कर ले। पहले बता भाई, ये मेरी सारी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। तो देखो, ये पूरे जीवन का शो है, तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। हम सब अगर बचपन के कुछ लोगों के शॉट्स आपको मालूम नहीं, क्रिकेट लोगों को यहाँ पर जो आते हैं सब इन शॉट्स को देख सब ज्यादा एम्बैरेस होते हैं। बट क्या था, दैट वाज अ स्पेशल। ये एक सेरेमनी होती है जैसे हम जनेऊ कहते हैं हिंदी में और मराठी में मुंज कहते हैं, जो कि बचपन में एक की जाती है, कुछ लोग शादी के टाइम पे करते हैं। मैं कुछ आई थिंक 5-6 साल 6-7 साल कहूँगा तब वो सेरेमनी हुई थी। उसमें सारे बाल काट दिए थे, सिर्फ एक चोटी रखी जाती है। अच्छा। तो ना फिर उसके बाद पंडित बन जाते हैं, वैसा कुछ कहते हैं। तो वो एक सेरेमनी थी, तो उसमें बाल साफ करने पड़ गए और बड़ा अजीब सा लग रहा था उस टाइम। तो क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले कि आप यहाँ पर अकेले अकेले बैठ कर सोचे कि रोशन मुझे बहुत एम्बैरेस करने की उसने प्लान बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर अभी बुलाना चाहते हैं आपके एक बचपन के दोस्त हैं, हैं तो रिलेटिव लेकिन दोस्त भी रहे हैं, ऐसे कौन व्यक्ति हैं? आइए साहब। विनायक जी, आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप इनके कजिन मामा हैं? यस। अच्छा, प्लीज बैठिए बैठिए। थैंक यू। आप बताइए कुछ बचपन की बातें बताइए, इनकी स्कूल की बातें बताइए। एक्चुअली कुछ भी आराम से बताना प्लीज। डोंट वरी, मैं और ये बचपन में लड़ते बहुत थे, इतनी फियर्स फाइट होते थे कि एक बार बॉक्सिंग कर रहे थे हम लोग तो उसने मेरे नाक पे काट लिया था। नाक पे काट लिया था? एक माइक टाइसन थे जिन्होंने कान काटा था, एक शरद केलकर जिन्होंने नाक काटी थी।
उसकी वजह यह है कि इनके पास एक दांव है इनका, ये लगाते हैं एड़ी ऐसे, मुझे बचपन में अपने एड़ियों के बीच में दबा लेते थे, खूब जोर से दबाते थे मेरी पसलियों को, तो इतना दर्द होता था तो मैंने कहा क्या उपाय इसका, तो चलो काट लिया जाए इनको, तो एक बार गाल पे काट लिया, फिर बहुत गुस्सा आया तो नाक पे काट लिया, तो मार भी बहुत पड़ी मुझे और काफी बदनाम हो गया था मैं अपने खानदान में कि यार ये आदमी काटता रहता है ये। अब तो ऐसी आदतें नहीं है ना। नहीं, एक बार किसी एक झूले में अटके अटके थे कुछ एग्जैक्टली घर के ठीक सामने एक पार्क था, उसमें रोमन रिंग्स लगे हुए थे, उसमें हम लोग खेलते रहते थे और हम लोग काफी हाइट पे लगे हुए थे रोमन रिंग्स जी, तो शरद ऐसे लटका और शरद ने पता नहीं क्या किया कि शरद के दोनों पैर और दोनों हाथ उसमें अटके रह गए। शरद 15 मिनट तक लटकता रहा, रोने लगा, फिर एक भैया आए, उन्होंने बताया। अच्छा, मुझे मुझे लगा कि इनकी हाइट जो थी वो नेचुरल थी, अब पता लगा कि रोमन रिंग्स पर खिंच गए थे। एक चीज छोटी सी आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ, बचपन में आपकी एक आदत थी जिसको आपने ओवरकम कर लिया। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं उनकी सोच ज्यादा होती है तो वो बोलते वक्त लड़खड़ाते हैं। आप जो आज इतना इनका साफ उच्चारण है, ठीक से एकदम बोलते हैं, बचपन में शरद जो हैड अ प्रॉब्लम, बचपन के मीन्स आप समझिए कि बड़े होते होते ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ में कि यस सिस्टमर अलॉट। मुझे बचपन में तो खैर अगर मेरे को मम्मी को बुलाना है तो हमारे आई बोलते हैं मम्मी को, तो वो इस पर रह जाता था मैं कि वो आई निकलता नहीं था मुझसे, तो धीरे धीरे कभी स्पीड फास्ट कर ली, फिर जब एक्टिंग में आया तो बीवी ने सिखाया मुझे कि थोड़ा आराम से बोलिए, आपकी बात सिर्फ मैं ही समझ पाती हूँ, बाकी कोई समझ नहीं पाता, थोड़ा खुल के बोलिए, थोड़ा क्लियर बोलिए, तो अब जाके सुधरी है थोड़ी बहुत, अभी भी बहुत फास्ट बोलता हूँ ऐसे में। खुल के बोलिए, क्लियर बोलिए, यही रुख अपनाए रहेंगे पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ, खुल के बातें करेंगे शरद के साथ आफ्टर दिस ब्रेक ऑन जीना इसी का नाम। स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का जीना इसी का नाम है में। शरद मेरे साथ बैठे हुए हैं, ब्रेक में लोग बचपन की बातें कर रहे थे, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन बचपन के दिन जब खत्म होते हैं तो आदमी सीधे पहुंचता है कॉलेज। कॉलेज में अलग अलग कोर्स करते हैं लेकिन इन्होंने कुछ फिजिकल एजुकेशन, दैट इज बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। तो फर्स्टली व्हाई? क्योंकि स्पोर्ट्स में मुझे काफी इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा लो ये डिग्री कर ली जाए। उस जमाने में जब ये कॉलेज में थे तो कॉलेज के दिनों में तो बहुत लोग याद रखते हैं स्टूडेंट्स को, देखें किसी और को याद है कि नहीं शरद के कॉलेज के दिन। He was very jolly guy. ये लगातार 3 दिन क्लास में नहीं आया, हमने उसके क्लास दोस्तों से पूछे भी, और ऐसे कहीं सिटी पे मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे अचानक 20 चौड़ाए में क्रॉस हो गए और जो सीधे आकर मेरे पांव पड़ लिए और बोला सर मैं इस कल्चर को कॉम्पिटिशन में जाने वाला हूँ और बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है कि मैं वहाँ जीत जाऊँगा, ये चीज़ें उन्होंने बताई। बाद में मुझे ये पता लगा कि ये मिस्टर इंडिया कुछ कॉन्टेस्ट थे जहाँ के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा था। He is a brilliant judoka, तो इनके आगे तो चलते। तो हॉस्टल के दिनों में आपने कहा कि ये वार्डन थे, आप प्रीफेक्ट थे, हॉस्टल के दिन में मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद रहते हैं, सबसे अच्छे दिन होते थे जिंदगी के। यू नो वो एक बहुत ही पुराना गाना भी था, वो पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत, वो सब। हॉस्टल से किसी को हमने कहा कि चलिए वार्डन साहब नहीं तो कोई और ही आ जाए वहां से, सतीश थैंक यू सो मच। सतीश भारद्वाज इनके कॉलेज के दिनों के रूममेट भी रहे थे और देखिए फिजिकल एजुकेशन इन पे भी नजर आ रही है, ये दोनों फिजिकल एजुकेशन है, मैं सिर्फ एजुकेशन हूं, कुछ नहीं। बैठिए प्लीज। थैंक यू। अच्छा ये बताइए सतीश के भाई कोई फिल्म देखने गए थे आप? दोनों सिल्वेस्टर के बहुत बड़े फैन थे तो वहाँ से निकल रहे थे, ये गाड़ी चला रहे थे तो अचानक थर्सडे नाइट थी तो वो उसने बोर्ड लगा दिया था नेक्स्ट डे असैसिन रिलीज होनी थी, देखा तो ये ध्यान नहीं दिया आज थर्सडे है यार रिलीज़ हो गई है चलो चलते हैं। वहाँ पहुँचे, पिक्चर देखी, 10 मिनट 15 मिनट सिल्वेस्टर कहीं नहीं, 20 मिनट कहीं नहीं, तो वो बगल वाले से पूछा यार ये क्या चक्कर है यार सिल्वेस्टर तो कहीं है ही नहीं, तो बोला ये तो मिसिसिपी मसाला है। एक और चीज थी आपको शायद याद होगी कि जब ये क्लासेस में एंटर करते थे पर्टिकुलर स्टाइल था इनका, हाँ क्या था वो स्टाइल प्रॉपर्ली दिखा दीजिए। हाँ हाँ ये मैं कमिंग सर, ये हाथ हमेशा यहाँ, इससे बेल्ट खींच रहे हैं
और ये नाक पकड़ के सांस लेके मैं कमिंग सर हमेशा लेट हमेशा। एक चीज मैं अलग से जानना चाह रहा था कि सीडीएस एग्जाम के टाइम पर आपके साथ एक थोड़ी दुखद सी घटना हुई थी, बिकॉज इट वॉजंट समथिंग, एक लेवल पार करने के बाद दूसरी लेवल पर कुछ बात रह गई थी, क्या हुआ था? मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं आर्मी में जाऊँ और मेरा वो आखिरी साल था कि मैं एग्जाम दे सकूँ। तो मैं पहुँचा इलाहाबाद, बड़ा एंथू था अंदर कि ये फिजिकली तो मैं फिट हुई, पढ़ाई में भी अच्छा हूँ तो शायद हो जाएगा, और आई वॉज क्वाइट होपफुल। फिर सारे टेस्ट मेरे अच्छे हुए, इंटरव्यूज अच्छे हुए, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपका स्टे कैसा रहा, आपका यहाँ का खाना कैसा लगा, आपने क्या किया एक दिन, सिर्फ तीन सवाल पूछे जाते हैं। सब सारे आर्मी ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, आप बीच में खड़े होते हो, और वो सिर्फ 15 या 20 सेकंड की कॉन्फ्रेंस होती है हर एक। तो मैं गया तो मुझसे तीनों सवाल पूछे गए, मैंने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था। फिर एक ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया और मुझे करीबन 15 मिनट तक अंदर जवाब देने पड़ेंगे सवालों के, और आई थिंक उनकी लैंग्वेज में कहते हैं बॉर्डर लाइन केस, कि इनको लें या ना लें, और फिर मुझे नहीं लिया गया। तो वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग टाइम था मेरी लाइफ का, एंड आई वॉज वेरी अपसेट कि यार इतना पहुँच के फिर मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो इट वॉज अ बैड पीरियड ऑफ माई लाइफ। सो इट वॉज, मतलब कभी कभार कुछ ऐसी फेजेज आती हैं जिंदगी में हर इंसान की जहाँ पर उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, हर उतार चढ़ाव के बीच में नैया पार लगाने के लिए कोई ना कोई साथ में जरूर होता है। कौन था, किसने मदद करी शरद की, हु स्टूड बाय हिम ऑलवेज, ये जानने के लिए वापस आएंगे कुछ देर में ऑन जीना इसी का नाम। सीडीएस की बात करी, एक छोटा सा सदमा पहुंचा था उस जमाने में शरद को जब उसने वो एग्जाम नहीं क्लियर करा, लेकिन आपने कुछ ऐसा करा था कि शत्रुघ्न सिन्हा का कोई डायलॉग था बहुत जोर का, आप उसको बोल रहे थे, आपने 2 बजे रात को बोल दिया था। रात को 1:30 बजे कुछ मस्ती वस्ती कर रहे थे, तो और आई यूज्ड टू मिमिक, उस टाइम पे बहुत शौक था मिमिक्री करने का, और मैं अब यंगस्टर जानते हैं कैसे मिमिक्री करते हैं, तो मैं भी बड़े जोर से इधर कर रहा हूँ, तभी मकान मालिक ने दरवाजा खोला खट करके से बाहर। आपने कुछ शत्रु जी का डायलॉग बोला था उसमें, क्या क्या बोला था? वो खामोश करके कुछ बोला होगा मैंने, और तभी एकदम से खट उसने दरवाजा खोला था, मैंने और खामोश हो गए फिर हम उसके बाद। शरद को खामोश करने का वैसे कोई तरीका मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं इंसिडेंट के बाद इंसिडेंट, कहानी के बाद कहानी आ रही है, चलिए शायद किसी को देखकर थोड़े से स्तब्ध हो जाएंगे कुछ देर के लिए। आइए, विश्वास केलकर बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, माजी बहुत बहुत धन्यवाद, आइए प्लीज। अरे तो यार आपने कब मींस शरद, मैं जब कह रहा था तुमसे और तुमने मुझे कुछ देर पहले कहा था कि एक महीने के बाद मम्मी यहाँ पर आ जाएंगी रहने के लिए साथ में, कहा कि आज ही आपको यह मौका दे दिया जाए। माँ जी मुझे बताइए कि शायद आपके लिए, मैं सुना था कि 2 ऐसे इंसिडेंट्स थे जब आपको सचमुच गर्व हुआ था इस पे। हाँ। वैसे तो मुझे हमेशा है इस पे, बचपन से पहले भी आते, मैंने पढ़ाई में भी बहुत होशियार था, और जो 2 इसने मैं अनुभव आपको बता रही हूँ जिस दिन मुझे, जैसे आज हो रहा है ये वाला, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए जो इसने मुझे दिया है। पहला इसने मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए जा रहा था, इसने मुझे बताया नहीं था, इवन फॉर्म भरने से लेके एंट्री, इसका सिलेक्शन भी हो गया, जब नॉर्थ इंडिया से इसका 8 लड़कों में सिलेक्शन हुआ तब इसने मुझे बताया कि आई मुझे ऐसा ऐसा है, मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे जाना है, तो आप क्या मुझे परमिट करोगी? मैंने कहा जब तुमने अपने बूते पे इतना सब कुछ कर लिया है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, जो कि हर माँ बाप की इच्छा होती है। तुम्हारे पिताजी होते तो भी वो यही करते, और आज मैं माँ और पिताजी दोनों की जगह हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। शरद मुझे एक चीज़ बताओ कि मुझे पता है कि यू लॉस्ट योर फादर एट एन अर्ली एज,
और उसके बाद से मम्मी ने हमेशा आपको जो है सपोर्ट किया है, जो मैंने कहा कि हमेशा आपके साथ में रहे हैं. क्या व्हाट रिलेशनशिप हैज इट बीन, कैसे किस, बिकॉज इतनी चीजें आपने इतनी स्ट्रगल करी, सीडीएस के एग्जाम था, आपने खुद बताया एमबीए करा, एयरटेल में थोड़े वक्त के लिए काम करा, बहुत सारी जिम तक में आपने काम करा था. मैं तब था क्लास 11 में और इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टाइम फॉर माय मॉम बिकॉज कभी जॉब ऐसा किया नहीं था कभी भी, और डैड की जगह पे सर्विस की, तो जो हमको आदत थी पहले कि डैड हैं और कोई कमी नहीं है ऐसा वैसा, देन सडनली वी फाउंड आवरसेल्फ कि यार कुछ भी नहीं है अभी तो, एंड शी स्टूड अप कि नहीं है ना आई विल डू जॉब एंड यू कीप ऑन स्टडिंग. हमको कभी फोर्स नहीं किया कि जब मेरी सिस्टर थी बड़ी तो शी वाज डूइंग ग्रेजुएशन, तो उनको भी बोला नहीं कि आप नौकरी करो या ऐसा करो, मैंने खुद किया नौकरी और मुझे ना इतना पढ़ाया लिखाया और कभी ये नहीं बोला कि बेटा तुम्हारी एज हो गई तो कमा के लाओ, तो वो एक मेरे अंदर से था कि मुझे कुछ करना है करना है. तो जब मैं एमबीए कर रहा था तो मैंने कहा बिकॉज आई एम स्पेंडिंग टू मच, बिकॉज वहाँ पढ़ाई है, फिर दीदी की शादी करनी है और शादी हुई थी तो वी आर लाइक आप सेविंग सब चली जाती हैं आपकी, तो कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार अब इतना बर्डन है और मेरी मम्मी इतना स्ट्रगल कर रही हैं, बिकॉज एक लेडी के लिए ऐसे स्मॉल टाउन में ऑफिस जाना इस स्कूटर से जाती हैं अभी भी आज की डेट में भी वो, और इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने कहा यार अब इतना कर रही हैं, तो उस टाइम मैंने एमबीए किया था और मुझे एक बाइक चाहिए थी, तो मैंने कहा मम्मी एक बाइक दे दो कि कॉलेज दूर है और कभी नौकरी भी या फिर कुछ करना भी है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, एंड शी वॉज हमेशा कभी भी मैंने जो मांगा मुझे मिला है. तो गाड़ी ले ली हमने एक स्प्लेंडर बाइक और उस फिर मैंने कहा एक जॉब ढूंढी जाए, क्योंकि मैंने एक क्लब में एक जिम में एज ए मैनेजर इंस्ट्रक्टर की पार्ट टाइम जॉब करता था, तो मैं सुबह उठता था 5 बजे 5:30 बजे जिम जाता था, वहाँ से मैं आता था घर पे नाश्ता करके जाता था ऑफिस, फिर ऑफिस से मैं जाता था कॉलेज से वापस एयरटेल कुछ काम होता था वहाँ यहाँ वहाँ वापस जिम, और रात को 10 बजे मैं फ्री होता था वहाँ से. बट रात को आने के बाद भी मुझे घर में गर्म खाना ही मिलता था मम्मी के हाथ का, और कभी भी मुझे लगा नहीं कि मेरे डैड नहीं है ना उन्हें इतना कुछ किया है मॉम ने, तो अभी भी है ना टिल मैं बॉम्बे आया फिर भी कभी ऐसा था कि पैसे नहीं है, तो मेरी मम्मी एक बात मुझे सिखाई है कि बेटा दूसरों से कुछ मांगने से अच्छा अपनों से मांगो तो आपका सिर नीचे नहीं होता है, तो अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझसे मांगो, आई विल सेंड यू मनी, बट डोंट स्प्रेड योर आर्म्स इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी एल्स. और आज मम्मी की तबीयत ख़राब है अभी, मुझे 4 दिन पहले बात हुई थी कि उनको एक बहुत बुरी डिसीज़ कुछ फैली हुई है ग्वालियर में, चिकन घुनिया करके एक फीवर है, एंड उन्होंने फ़ोन किया ना, आई वाज वेरी वरीड कि यार कि कैसे तबीयत होगी, एंड आप लोगों ने तो कमाल कर दिया ना, बिकॉज मेरा कैसे आई है मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड शी इज़ क्वाइट वीक आई थिंक, अभी तबीयत ख़राब है इनकी. और भाई कोशिश तो हम कर रहे थे शरद के परिवार के बहुत सारे सदस्यों को लाएं, किसी और से भी बात हुई, उन्होंने भी आपके बारे में कुछ स्पेशल कहा है, देखें कि क्या बोला. हाय गुड्डू, अरे कैसा लग रहा है मेरे को यहाँ देखकर, सरप्राइज या शॉक्ड? अदर को याद है जब भी बाबा को चाय दी जाती थी सबको एक्सपेक्ट रहता था कि गुड्डू कहीं ना कहीं से आएगा, सब तेरे को देखते हुए बचते बचाते चाय देते थे, फिर भी बाबा के चाय पीते हुए तू कहीं ना कहीं से टपक ही जाता था और सारी चाय बर्बाद. क्या इंसिडेंट है चाय के पीछे कुछ? मैं इस मामले में बड़ा मशहूर था अपने खानदान में कि टी टाइम है, किसी के लिए भी चाय सर्व हो रही हो तो गुड्डू बोलते मुझे घर में, गुड्डू कहीं ना कहीं से आएगा और वो चाय जरूर गिराएगा, कुछ चाय पी रहा है तो कहीं कोने में मार दूंगा ऐसे करके किसी को साइड से, ना ऐसे नहीं नोइंगली मारता था मैं, बट शैतान शुरू से बहुत रहा है, शैतान शांति से बैठ ही नहीं सकता. दशहरे के लिए हमारे यहाँ नए कपड़े पहनते हैं, मैंने इसको कपड़े पहना दिए, नहा धुला के इसको कपड़े पहने, मैंने कहा बस अब पूजा होने वाली है उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको पहनना है पहनो नहीं तो बदल के रख देना. इसने जब तक कि मैं तैयार हूँ ये बाहर गए, लोट लगाई इन्होंने अब जानबूझ के कि ये, इसने घर में आके बोला कि मैं गिर गया, जैसे कि यूजुअल मुझे मालूम है कि ये गिरते थे लेकिन उस ड्रेस को पहन के गिरे ये हो नहीं सकता था, लेकिन चूंकि अब ड्रेस खराब हो गई है तब इसको बदल दो, ये इनके कारनामे रहते. अगर ठान ली तो ठान लिया तो ये नहीं करेगा, और जो ठान लिया वो करेगा ये भी. बाबा को आप मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ, मैंने अभी भी ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरे घर में जाते हैं फिर देखते हैं कि यार इनका ये है वो है. कुछ चीजें हम सबकी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो अगर हमसे हमारे पास नहीं होती हैं तो हमको लगता है कि काश अगर हमारे बीच आज होती तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी, लेकिन जहां भी होंगे जरूर
तुम्हें देख के आज खुश होते होंगे, ये जान के खुश होते होंगे कि इसने इतना अचीव करा है सचमुच। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब शायद कहने कुछ नहीं होता, इसलिए कुछ समय के लिए हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं वापस शरद से, उसके परिवार वालों से बात करने के लिए। ऑन नोकिया जीना इसी का नाम है। शरद अभी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं और शो ने जिंदगी आई थिंक एक नए मोड़ की तरफ आपको लाई ना। इस शो ने एक नाम दिया है नाहर सिंह मुझे, और बहुत कम टाइम में इतना पॉपुलर हुआ है शो और लोगों ने पसंद किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा जो ये शो देखते हैं और इसे पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे जो हस्बैंड्स हैं वो मुझे एक ही कमेंट देते हैं, यार तुम मरवाओगे यार तुम इतने अच्छे पति बनते हो कि हमारी बीवियों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है कि तुम नाहर सिंह जैसे क्यों नहीं बनते हो, वो ऐसा करता तुम क्यों नहीं करते हो। तो ये कमेंट मुझे अक्सर जो हस्बैंड्स हैं और जो सास हैं या जो माँ बाप हैं उनसे ये कमेंट जो है, भैया दामाद हो तो नाहर सिंह जैसा। तो ये दो कमेंट्स मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं और आज उसी शो ने मेरी लाइफ बदल दी है, तो हैट्स ऑफ। शो ने लाइफ बदल दी है और शो में कुछ और लोग भी होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी अलग लेवल पर। हमने कहा कि भाई शायद वो भी इनको जानते होंगे पहचानते होंगे। बुलाना चाहूंगा हमारे अगले गेस्ट को। विजय पांडे जी, थैंक यू वेरी मच सर आने के लिए। बड़ा सरप्राइज हो गया, काफी एक महीना देख नहीं रहे आपस में किसी एक दूसरे को। बैठिए बैठिए। आपने इनको इनकी ग्रोथ देखी होगी उस शो में, कैसा लगा आपको एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ पर्सन? एज अ प्रोफेशनल ही हैज रियली ग्रोन एज एन एक्टर। एज एन एक्टर इसने इतना अच्छा ग्रो किया है कि वाकई उस कैरेक्टर को वो जी रहा है। लेकिन एक ही है, एज ए पर्सन इतना शैतान है सबसे ज्यादा सेट पर अगर शैतानी करता तो ये करता है, यही करता है, सबको परेशान करेगा, सबको तंग करेगा। नवाबजादे हैं, लेट आते हैं हमेशा। मैंने सिंह को बोला भाई शरद जी को बुलाओ, शॉट रेडी है, कीर्ति भी आ गई है, क्यों नहीं? सर वो अपने बाल सेट कर रहे हैं। मैं क्या शरद बाल सेट कर रहा है? हाँ सर, वो एक वो लट उनके सामने नहीं आ रही है, उसके पीछे लगे। एक तरफ डायरेक्टर साहब से बात हो गई तो कुछ और भी लोग थे जिनसे बात हमने करी, उसी शो से लिंक्ड हैं। बहुत ही अहम भूमिका है इनकी इनकी जिंदगी में, ऑन अ पर्सनल लेवल तो नहीं लेकिन ऑन अ प्रोफेशनल लेवल देखते हैं। हाय शरद, ओलखलस सबको बोल देती हूँ कि तुम कितने कितने बहुत ही मस्ती करते हो और सीन के बीच में इतने बोलते हो, मतलब शरद को चुप कराना पड़ता है। यू आर वेरी स्वीट और एक तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे आज तक तुम सेट पे कभी दुखी दिखाई नहीं दी। एक चीज उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक अटेम्प्ट करी एक दोस्त के साथ लेकिन हो नहीं पाई, शायद आज इस मौके पर कंप्लीट हो जाए वो बात। एक और इनके दोस्त हैं, एक और शो से उनको यहां पर बुलाता हूं मैं। आइए साहब, पुलिस तो लेके मत आइएगा साथ में। अनूप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बैठिए प्लीज। फिल्म्स एटसेट्रा, बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला है कि शायद आज वो जोक पूरा हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक क्या था, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट अ जोक? देयर वाज अ टाइम जब ये नया इसने ज्वाइन किया था सीआईडी स्पेशल ब्यूरो, तो थोड़ा इतना ज्यादा ओपन अप नहीं था बिकॉज शायद नया शो शुरू हो रहा था और इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सारे और लोग सलील अंकोला और काफी सीनियर लोग थे इसके आसपास, तो हम लोग इसको काफी बुली करते रहते थे, तो इसकी भी बहुत खिंचाई हो चुकी है, ऐसी चिंता वाली बात। सो देयर वाज दिस जोक सेशन जो हमारे यहाँ रेगुलर चलता, तो एक दिन इसने भी कहा कि मैं एक जोक सुनाता हूँ। तो हमारे एक और कलीग हैं, हमने और उन दोनों ने इशारों में बात कर ली कि इसको ये जोक पूरा नहीं करने देंगे। तो ये बेचारा शुरू करता था कि एक शर्मा जी थे, एक वर्मा जी थे, और हम बीच में कुछ अपनी बातचीत शुरू कर देते, अच्छा हाँ वो क्या हुआ, शॉर्ट नेक्स्ट शॉर्ट का बोल रहा है, नेक्स्ट कंप्लीट। बट
इससे आप सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना ऑनेस्ट, इतना सच्चा और इतना सीधा था कि ये बेचारा डेढ़ दो दिन तक ये समझ में नहीं पाया कि हम इसको जोक नहीं सुनाने देना चाहते। आज तक हम थक गए इसको कह के कि वो जोक तो सुना दे पूरा, लेकिन आज तक इसने जोक नहीं सुना, अब ये नहीं सुनाता वो जोक। ये लोग अभी मुझे बुरी कर रहे हैं, पता है आज भी वही काम कर रहे हैं जो उस दिन कर रहे थे, मुझे पता है। तो मैं वो जोक शुरू नहीं करूंगा ना खत्म करूंगा। माजी प्लीज आप ही रिक्वेस्ट कर दिए कि एक तो जोक सुनिए। और वैसे भी वो जोक मैं माजी के सामने सुना भी नहीं पा रहा। यू नो हसमुख तो है ही, नटखट शरारत वगैरह करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो को स्टार से ज्यादा ओहदा रखते हैं, ऐसे ही एक और दोस्त हैं, हमसे कुछ स्पेशल कहा इनके बारे में। मैं एक बहुत ही कैमियो किस्म का छोटा सा रोल कर रहा था और शरद उस सीरियल में लॉन्च किया जा रहा था, वो मेरे ख्याल से उनका पहला शो था, पहला सीरियल था। तो शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग के दौरान उन्हें पहला ही जो सीन मिला वो काफ़ी लंबा चौड़ा सीन था और उन्हें काफ़ी मूवमेंट्स करने थे, काफ़ी डायलॉग्स बोलने थे। शरद जिन्होंने कि उससे पहले कुछ ज़्यादा एक्टिंग नहीं की थी, काफ़ी नर्वस हो गए थे और कुछ मुझे याद है करीब 20-25 टेक्स उन्होंने किए थे उस सीन के, और उसके बाद भी वो अच्छी तरह से वो सीन कर नहीं पा रहे थे। और बाद में मुझे याद है उस शो से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। उसके बावजूद शरद काम करते रहे और 3 साल के बाद जब मैं 7 फेरे के सेट पे उनसे मिला तो ही वॉज अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एक्टर। सर एक चीज बताओ कि जैसा आपने कहा कि उस शो में आपने खुद हाथ जोड़ के कहा कि मुझसे नहीं हो रहा है, हाउ डज देन एन एक्टर उस पॉइंट से अपने आप को कैसे बाहर निकाल के लाता है? वो टाइम बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक्टर के लिए जिसको कि ये पता है कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है और यहाँ से मुझे निकाला जा रहा है। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी मैं मॉम से बोल के आया हूँ मुझे कुछ करना है, यहीं करना है, तो मैंने कहा यार कोशिश तो करता रहूँगा मैं। तो सीखते सीखते आज जो फिर कीर्ति जी मिल गई, तो फिर सर हमारे हैं, इन्होंने तो अभी मुझे बोला है रिसेंटली क्योंकि मैं कोई भी मैटर हो मैं इनको फ़ोन करता हूँ और इनसे एडवाइस देता हूँ हमेशा, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कहीं कास्टिंग हो रही हो, चाहे कोई सीन हो, तो ये मेरे गाइड रहते हैं। और इन्होंने अल्टीमेटली मैंने मजाक में ही चाहे लेकिन बड़े कह दिया भाई अगली बार से मैं आपसे कंसल्टेंसी फीस लूंगा। एंड ही ऑलवेज बिहेव्ड एज इफ लाइक के जैसे आई थिंक मेरा कोई भाई है नहीं, तो पता नहीं क्यों शुरू से इसने अपनी तरफ से ऐसा एटीट्यूड मेरे साथ रखा जैसे मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जैसे जब हमारा शूटिंग चल रही थी तो कॉल टाइम है तो इसका रात को फ़ोन आएगा, अच्छा सर आप कितने बजे निकल रहे हो आप सुबह? कि सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकलूँगा। अच्छा ठीक है मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, आप मुझे पिकअप कर लेना। ठीक है कोई बात नहीं, पिकअप कर लूँगा, उसमें क्या रास्ता वही है जाना है। पिकअप कर लिया इनको सुबह 7:30 बजे, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये आपके पास में बैठते हैं, थोड़ा और रिलैक्स्ड होते हैं सीट पे, फ़ोन निकालते हैं और कीर्ति को फ़ोन लगाते हैं, हाय बेबी हाउ आर यू व्हाट्स हैपनिंग, और आपको सडनली फील होता है यार आप ड्राइवर हैं। और और जब फ़ोन पे बात ख़त्म हो जाती है, अगर मान लीजिए डिस्टेंस लंबा है तो फिर ये सो जाता है और आप ये देखते हैं कि बाजू वाली सीट पे एक आदमी सो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों यू नो ऐसा कभी ये नहीं लगा कि यार ये क्या बदतमीजी कर रहा है, यू नो हमेशा ये लगा आई थिंक दिस इज़ हिज वे, ये इतना क्यूट है कि शायद अपने आप सबको इसे प्यार हो जाता है। भाई आप ऐसा कह रहे हैं, एक और दोस्त ने तब कहा कि कुछ डीवीडी को लेके कोई इंसिडेंट था, अब क्या डीवीडी थी क्या कहानी थी जरा देखते हैं। मैंने शरद को फोन किया क्या कर रहा है, बोला घर पे वहाँ जा, चला गया, चल फिल्म देखते हैं, ये शरद का प्लान था। मैंने कहा यार 11 बज गए रात के, अब कोई फिल्म कहाँ मिलेगी, तो ही जस्ट ड्रॉप द आइडिया इन सर कि ठीक है डीवीडी ला के घर पे देखते हैं। मैंने 11 बजे रात को डीवीडी कहाँ मिलेगा, नहीं नहीं ढूंढते हैं, चलो 4 बंगलो 7 बंगलो जुहू जो जो हमको जॉब्स मालूम थी सब जगह जाके देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन शरद के दिमाग से फिल्म देखने का फितूर नहीं गया। देन ही सेड कि एक काम करते हैं, मानव के पास होगी, मानव से हायर करते हैं। चलो मानव से डीवीडी लिया, फाइनली हमने फिल्म का सीडी डीवीडी प्लेयर में डाला और हमने फिल्म देखना जैसे शुरू किया शरद सो रहा था। पूरी फिल्म पूरे टाइम खराटे भरे और जैसी फिल्म कंप्लीट हुई तो शरद उसके बोलता है हाँ यार फिल्म कैसी थी, अच्छी थी ना? मुझे नींद तो नहीं आ रही है लेकिन हाँ वो डीवीडी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी इसलिए उसको जरा ढूंढ के लाता हूँ और वापस आता हूँ कुछ ही देर में ऑन नोकिया जीना इसी का नाम। बात हो रही थी इससे पहले कुछ इंसिडेंट की, शरारतों की,
एक और दोस्त है इस पे कुछ और जो थी वो थोड़ी सी रोशनी डाली, देखें अब इन्होंने क्या किया। हाय शरद, एक फेज था तुम्हारी लाइफ में जब सीआईडी तुमने छोड़ा ही छोड़ा था। उसके बाद के कुछ दिन, कुछ हफ्ते, शायद कुछ महीने तुम्हारे लिए वर्क वाइज थोड़े से डिफिकल्ट थे। तुम्हें कहीं डर लगता था कि एम आई अनवांटेड या इज समबडी इन अ पर्टिकुलर चैनल या समबडी अ चैनल इटसेल्फ इज़ नॉट लाइकिंग मी, या मुझ में कुछ कमी है या मुझ में बुराई है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, या ऐसी कुछ बातें हम दोनों के बीच में हुई थी। एंड आई रिमेंबर दैट व्हेन आई टोल्ड यू दैट यू आर गुड लुकिंग एंड यू आर चार्मिंग एंड यू आर हार्ड वर्किंग, सो यू हैव टू गो प्लेसेस। और आज तुम यहाँ खड़े हो, जीना इसी का नाम है कि सेट्स पर। तुम्हारी एक आदत बहुत ही बुरी है, तुम्हें मैं चोर तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन आदत बहुत ही बुरी है। तुमने मेरी 3 DVDs ली हैं, अब तक लौटाई नहीं है, कब लौटा रहे हो? ये शो में मैं सबके सामने ये कहना चाहता हूँ कि शरद को आज के बाद कोई भी अपनी DVDs मत देना क्योंकि वो लौटाता नहीं है। तुमने तो बदनाम कर दिया मुझे। खुद तो आते नहीं मैं घर पे कभी। खुद आएंगे तो मैं DVD दे दूंगा हाथ में, खुद घर पे, इसी बहाने घर तो आएंगे हम से कम। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि मानव जी प्लीज आप मेरे घर पे आए और वो DVD लेके जाए, तो इसी बहाने मेरे घर पे आएंगे। आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं, प्रॉब्लम नीयत अच्छी है मेरी। गलत बात है, नीयत को यू नो, शरद की नीयत को, शरद की सीरत को, सूरत को हम सब पहचानते हैं, लेकिन कोई एक इंसान होगा जो इनको हम सबसे ज्यादा अच्छा जानता होगा। चलिए फिर से कोशिश करता हूँ किसी को बुलाने की यहाँ पे। अब तक शरद यू बैठा था, अब शरद यू बैठा है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, ये तो हमारा प्यार है उसमें तो। पहले तो कीर्ति, मुलाकात कैसे हुई थी पहली बार? पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, हम एक शो कर रहे थे साथ में, आक्रोश। इन्होंने मुझे पहली बार में देख लिया था कि अच्छा कोई नई लड़की आई, इन ऑल दैट। बाद में ये सब मेरे साथ शेयर किया, मतलब पहले दिन से इम्प्रेस करने का प्रोग्राम शुरू हो गया था। गाने वाने गा के सुनाए 2-3 आवाज़ों में एंड दिस एंड दैट, और बातें वाते तो ओ गॉड इतना बोलता था ये। मुझे पहले दिन मेरे कपड़ों पर टोक दिया था इसने कि तुम पहन के क्या आती हो, ढंग के कपड़े पहन के आया करो ना शूट पे। आई वाज लाइक हेलो एक्सक्यूज मी। अरे मैं छोटे शहर से आया था तो वहाँ लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, अब तो मैं एकदम से वो क्या उसको स्पेगेटी टॉप कहते हैं वो पहन के आई थी। और मैंने कहा यार शूटिंग पे, यार पार्टी ठीक है, शूटिंग पे ऐसे कपड़े पहन के आने की क्या जरूरत थी। शायद ज्यादा मुंह फट हो गया था मेरे ख्याल से। हां, बट आई थिंक दैट वर्क्ड। मैंने सुना है कि इन्होंने आपके लिए बहुत ज्यादा प्लान्स बना के रखे हुए हैं। देयर आर सम बिग ड्रीम्स व्हिच ही हैज फॉर यू। डू यू नो ऑफ दोस? आई डोंट नो। शायद कुछ 3 सपने हैं आपके। एक तो इनको मुझे गाड़ी देनी थी, बड़ी गाड़ी कोई, एक SUV। एक इनको सॉलिटेयर चाहिए और एक इनको बड़ा सा घर चाहिए। तो उसमें एक ड्रीम तो मैंने पूरा कर दिया। इनको एक अभी गिफ्ट की है मैंने, एक टाटा सफारी, एक बड़ी सी SUV है। जिसके चेक्स मेरी अकाउंट से गए हैं। हाँ। बोलने की जरूरत क्या है भैया, हमें ऐसी बात कर रहे हो? डाउन पेमेंट मैंने दिया है उसका। घर की बात है भाई, घर की बात है। आगे सॉलिटेयर में क्या होने वाला है? 50-50 तो नहीं होने वाला? नहीं नहीं नहीं, सॉलिटेयर में वो सस्ता आता, मैं दे दूंगा। घर में देखेंगे, मांड वाली कर लेंगे। नहीं, बट आई मस्ट टेल यू कि शरद मेरे लिए जिनी है। मैं कुछ भी बोल दूँ, कभी भी बोल दूँ, वो शरद मतलब ही मेक्स इट अ पॉइंट कि उसे वो करना ही करना है। मतलब forget solitaire and forget the car, but all these small things whenever I ask him he has to get me and he always does that, so I love that. Acha, tell me, you know you're successful, ye start kar rahe hain, how was that moment? Wo us time ko kaise aapne saath nibhaya? How did you all go through that entire phase? Charat ne us waqt mujhse ek baat kahi thi ki Kirti kaam mujhe nahi bhi mila, maine MBA kiya hua hai, 20-25,000 to kama lunga and I can take care of you, and I loved it. I just loved it from the bottom of my heart. Then I thought ki no matter what, good times, bad times, if we are together,
we can face it. And thankfully, उस दिन के बाद से I think God has given us good times only. एक और चीज मैं जानना चाहता था. एक बार आप एनिवर्सरी पर साथ गए और आपने एक अलग तरीके से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी. उस दिन मैंने सोचा कि भाई पार्टी हमने भी दी थी और काफी लोग पार्टी देते हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, अच्छे कैंडललाइट डिनर और ये सब. मैंने कहा फर्स्ट एनिवर्सरी है और मुझे कोई तीसरा आदमी नहीं चाहिए हमारे बीच में. तो 12 बजे मैं इनको लेके गया बैंड्रा रिक्लेमेशन ब्रिज पे और मैंने एक जैकेट पहना हुआ था ऊपर. मैंने अपना गाना कुछ था पर्टिकुलर सीडी पे मैंने गाना बजाया. एक ऐसी पेस्ट्री मैंने अपनी सीट खींच रखी थी वो निकाली. एक नाइफ था जो मेरी पॉकेट में था वो निकाला. एक शैम्पेन बॉटल थी जो मेरे अंदर वाली पॉकेट में थी वो निकाली. एक कार्ड था जो मेरे इस पॉकेट में था वो निकाला. और एक गिफ्ट था पीछे वो ऐसा दिया निकाल के. तो आई डिड, मैंने कहा अभी यहाँ खुला आसमान है और सिर्फ हम दोनों हैं, तो आई वॉन्ट टू स्पेंड दिस टाइम विद यू ओनली. और कोई तीसरा नहीं चाहिए मुझे. तो ऐसा किया था मैंने. बट उसके बाद तो मुझे इन्होंने मास्क मैन बना दिया. आपने इनके लिए गाना भी गाया है? हाँ, गाना तो कई बार गाया. तो भाई इतनी अच्छी आवाज के साथ बिना गाना गाए तो मैं आपको जाने नहीं देने वाला हूँ. वो यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, खुला आसमान समझ लीजिए. मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ, मैं ट्रैफिक पुलिसमैन. आपको बैंड्रा रिक्लेमेशन का रास्ता दिखा दिया, अब आप पहुंच गए. और एक आपका वो फेवरेट गाना, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरा रहेंगे सदा, तुमसे ये वादा रहा, तुमसे होंगे जुदा. वाह, एक सरप्राइज गेस्ट. और जस्ट टू ब्रिंग द पर्सन इन, जल्दी से आ जाइए भाई, समय बहुत कम है. तनु, she's my little sister. बैठिए प्लीज. ये आपकी मुंह बोली बहन? हाँ जी. कैसे मुलाकात हुई? हम लोग रहते थे गुना में, एक शहर है मध्य प्रदेश में. तो मेरे डैड का ट्रांसफर गुना हुआ और इनके डैड सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर थे, तो वो सामने वाले घर में रहते थे. मैं कुछ 3 साल का होऊंगा और मुझे इनकी मम्मी बहुत खूबसूरत लगती थी और बहुत पसंद थी. तो मैं किचन में, मैं 3 साल का था और मैं किचन में ऐसा बोलता था मम्मी को, मम्मी मुझे गोदी में उठाओ ना, मुझे शर्मा आंटी को देखना है. ये तो पैदा भी नहीं हुई. तनु एक चीज बताइए, जब आप बॉम्बे आई तो आपने इनके घर पे कुछ समय के लिए आप जो थी वो रहने आई थी. वेरी ट्रू. इन फैक्ट मेरा बॉम्बे आने का सबसे बड़ा रीजन यही था, बिकॉज़ भैया वाज हियर. आई हैव नो ब्रदर बट ही इज लाइक यू नो इफ आई एम लेट देन व्हाई आई एम लेट एंड शरद अपने घर में सबसे छोटे हैं, कभी किसी और को डांटने का मौका नहीं मिला किसी और के ऊपर कि कहाँ थे और क्यों आ रहे हो लेट. मेरे साथ भी नहीं हो पाता ऐसा. एक तरफ एक शुरुआत ग्वालियर जैसे शहर में, उसके बाद मम्मी का प्यार, दोस्तों का साथ, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ अपनी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को अब तक निभाया है, और कुछ ऐसे लोग जो कि जिंदगी के साथी भी बने. शरद, जीना सचमुच इसी का नाम. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कुछ यादें भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी. दोस्तों, अगले हफ्ते एक और पर्सनालिटी, एक और शख्सियत से आपको यहाँ पर रूबरू कराएंगे, उनके जिंदगी के रास्ते पर साथ चलते जाएंगे और चलते चलते एक साथ फिर से बोलेंगे कि जीना इसी का नाम है.